मैं देखता हूँ। क्या हुआ? कौन है? पता नहीं। अम्मी, ये धरा मैडम ने बुलाया अपने घर, मैं जाके आता हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ जी, सब खैरियत है, मैं पता लगा के आता हूँ बस। खुदा हाफिज़। आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी टीम में दूसरे धर्म का कोई भी लौंडा नहीं खेलेगा और इस शहर का विधि विधान हम ही लिखते हैं और हम ही हैं इस शहर के ईश्वर। तुमने आग जलाने का सामान इकट्ठा किया है और जब ये आग लगेगी, जब ये बर्बादी होगी, तो हर एक चलते हुए चेहरे को देखकर तुम्हें आज का दिन याद आएगा। सारी तबाही की, सारी बर्बादी की जिम्मेदार तुम होगी। धरा, धरा, दीदी आप सोई नहीं अभी तक? क्या हो गया, तुम क्यों जग रही हो इतनी रात तक? मैंने लाइट ऑन ऑफ होते देखा तो मैंने सोचा पूछ लो तुमसे, कुछ हुआ है क्या? सो क्यों नहीं रही हो? अरे नहीं दीदी, बस नींद नहीं आ रही थी। आप क्यों जग रही है? वही, नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ? ये देखो, बल्ला घुमा। देखिए देखिए कोच मैडम। अरे बहुत दमदार बल्ला घुमा रहा है। आपको पता है, जब शुभांगी मेरे पेट में थी ना, तो कस के लात मारती थी। ये इनका ऐसे ही होता है, जब रात हो जाती है और सन्नाटा छा जाता है ना, तब इनके खेल शुरू हो जाते हैं और फिर हमारी नींद खत्म। हाँ, इसीलिए तो नींद नहीं आ रही थी। बताओ क्यों नहीं सो रही थी? अरे बताया ना दीदी, ऐसी नींद नहीं आ रही थी। अब बैठिए बैठिए। तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या हुआ है बताओ? कुछ नहीं हुआ है बस। देखो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम उन लोगों में से नहीं हो जिसे बिना बात के नींद नहीं आती। कोई तो बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, बोलो धरा। भानु प्रताप सिंह आए थे फिर से और मुझे धमकी देकर गए हैं कि अगर मैंने अपनी टीम से दूसरे धर्म के बच्चों को नहीं निकाला तो अंजाम बुरा होगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी। तारा, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, ये आदमी अच्छा नहीं है, बहुत बुरा आदमी है ये। इसकी धमकियों को तुम हल्के में मत लो प्लीज। मैं अभी समीर से जाके बात कर रही हूँ, तुम दोनों अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाओगे और कंप्लेन करोगे। अभी चलो। दीदी दीदी दीदी, मुझे पता था आप लोग इतने ही परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शांत हो जाइए प्लीज। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब संभाल लूंगी। प्लीज प्लीज, रात बहुत हो गई है, प्लीज आप सो जाइए, मेरा टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए। धारा तुम सब बशीर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? घर पे सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है। ये आपका लेटर मिला मुझे कि शुभांगी घर पे अकेली है, समीर भैया घर पे नहीं है, तो मृदुला दीदी को जरूरत पड़ेगी आपकी, बशीर आ जाओ। अंदर आओ।
ये मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया तो मैंने देखा तो चिट्ठी थी कोई, कौन देखेगा पता नहीं। ये लेटर मैंने नहीं भेजा है दीदी, तो फिर पता नहीं कुछ गड़बड़ है। आज की रात तुम यही रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे, कल हम साथ में स्कूल जाएंगे सुबह। बस तुम यही रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैम ये चिट्ठी लाइए मुझे, ये हमारी टीम में से किसी ने मजाक किया होगा, मैं पता लगाता हूँ किसकी हैंडराइटिंग है। और मैं वैसे भी अम्मी को कहकर आया हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, टेंशन ले रही होंगी वो, और मैं स्कूल भी कैसे आऊँगा, यूनिफॉर्म नहीं है। अरे एक दिन बगैर यूनिफॉर्म के स्कूल चले जाओगे तो स्कूल से नाम नहीं कट जाएगा तुम्हारा। मैं बात कर लूँगी प्रिंसिपल सर से, बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम कहीं नहीं जा रहे, ये सब कुछ ठीक नहीं है दीदी, तुम नहीं समझोगे बशीर, बस तुम कहीं नहीं जा रहे बस। मैडम आप खामखा टेंशन ले रही हैं, दीदी इनसे कहिए मुझे कुछ नहीं होगा, मैं लौट जाऊंगा आराम से घर पे। धारा उसकी अम्मी उसका इंतजार कर रही होगी, दीदी जाने दो उसे, जाने बशीर तुम जाओ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये क्या हरकत है, कौन भेज सकता है ऐसी चिट्ठी मेरे नाम की, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दीदी। आप परेशान मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाके सो जाइए, मैं देख लूंगी। जाइए दीदी, रात बहुत हो गई है, ख्याल रखना। हाँ कुछ हो तो बताना। बताती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।